वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी के जलपल्ली म्युनिसिपालिटी का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जलपल्ली म्युनिसिपालिटी के हदूद में वाक़े वार्ड नंबर 10 के वादी सालहीन में 14 लाख की लागत से नस्ब किए जाने वाले वाटर पाइप लाइन और 10,80,000 की लागत से तामीर की जाने वाले ड्रेनेज के कामों का संग बुनियाद रखा और इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला बिन अहमद सादी और वाइस चेयरमैन फरहान नास, काउंसिलर शमशुद्दीन, कॉप्शन मेंबर एस कृष्णा रेड्डी के अलावा दिगर टीआरएस कायदीन मौजूद थे। वार्ड पदो वार्ड संबंधी ड्रेनेज यानी ड्रिंकिंग वाटर मेन इंटी कनेक्शन इवाले गौरव मुख्यमंत्री आदेश दांट्लो भागंगा 10th वार्ड के 74 लक्षल शांक्षन जरिगिंदी पाइप लाइन वेसुकोस्तारु 74 लाख संबंधी प्रति इंटी कनेक्शन इवाले अच्छे वस्तुनपुर ड्रैनेज इंका 50% पेंडिंग दाने तुंदर पूर्ति रोड पैन ड्रैनेज वाटर राकुंडा उंडालने प्रधानंगा इक्कड प्रजलंदरू कोरुता उन्नारू। डिले अवडानिकी कारणं एंटंटे किंद आउट्लेट वेसुकोस्तुन्नप्पुडु स्टोन बागा वच्चिंदि आ स्टोन रावडंतोने वर्क अनेदी बागा डिले अयिपोयिंदि स्टोन अंता तीसि सो इप्पुडु आउट्लेट कंप्लीट अयिपोयिंदि काबट्टि मिगता पै नुंडि कूडा मेन रोड नुंडि ना कनेक्शन अंता कूडा इव्वडं जरुगुतुंदि वीलैन तोंदर्लु इवन्नी पूर्ति चेसि वाड्लो उन्न प्रजलु कोरुकुन्न डेवलप्मेंट नि मुख्यंगा जलपल्ली मुनिसिपालिटीलो गौरव मुख्यमंत्री गारिकि प्रत्येकमैन दृष्टि उंदि एप्पुडैना कूडा मुनिसिपालिटीस् रिव्यू अयितुन्नप्पुडु जलपल्ली मुनिसिपालिटी जवाहर नगर मुनिसिपालिटी रेंडु एग्जांपल तीसुकुंटारु मुख्यमंत्री गारु एंदुकंटे इक्कडंता पेदवाळ्ळु उंटारु चिन्न चिन्न इंडलु कट्टुकोनि उंटारु वाळ्ळु कावाल्सिन अवसराल मनं तीर्चाल्सिन अवसरं उंदी आ विधंगा पनि चेयंडनि कोर्ता उंटारु अन्नी पनुलु ओकेसारि चेयलेम कानी कोंत पनुलु वाळ्ळकि ऊरटगलिगेटट्टु उंडालनेदि मुख्यमंत्री गारि आलोचन एग्जांपल सानिटेशन चेत्त रोड्ल मीद वेस्ता उंटारु आ चेत्त वेयकुंडा उंटे वाळ्ळ आरोग्यं सगं बागुपडतायि अनेदि मुख्यमंत्री गारि आलोचन काबट्टि वार्ड कौन्सिलर् अंदरू कूडा దయచేసి దాని మీద దృష్టి పెట్టాలని కోరుతా ఉన్నాను ఇప్పుడు ఒక మామూలు సాధారణ పర్సన్ ఒకతను వచ్చి అడుగుతా ఉన్నాను నేను చెత్త డస్ట్ బిన్ పెట్టండి మేడం డస్ట్ బిన్ పెడితే మనం చెత్త వేస్తామని డస్ట్ బిన్ లేకుండా ఉండాలనేది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మన రాష్ట్రంలో మన మున్సిపాలిటీస్ అన్ని కూడా డస్ట్ బిన్ ఫ్రీగా ఉండాలనేది ఆదేశం కాబట్టి ఆ విధంగా పెట్టలేకపోతున్నాం కానీ దయచేసి చెత్త కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఇంటింటికి తీసుకునే పని చేయదలుచుకున్నాను।